साथ तकरार में भी आ रहे हैं, जिस फिल्म का मैं एक निर्माता भी हूँ तो उसमें हमारे साथ हैं राकेश मिश्रा जी हैं और ये हैं। हाँ, आज 1 जनवरी 2019 हमार तमाम दर्शकन के, हमार तमाम चाहने वाला के, भोजपुरिया समाज के नया साल के ढेर सारा शुभकामना है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019 में खूब धमाल करी लो, मस्त रही, व्यस्त रही और दो गो फिल्मी बाबूजी बड़े लो हमारे और दोनों एक से बढ़कर एक। बोला है कि आपने 1 लाख रुपए में वकील हायर किया है, तो ज्यादा नहीं है कि आपने? एक्चुअली अंदर की बात नहीं बता रहे हैं, ये अंडर टेबल ही बहुत लेते हैं। देखिए इनकम टैक्स का कहीं छापा ना मरवा दे। तो वो 1 लाख जो है व्हाइट मनी है और ब्लैक मनी काफी ज्यादा है और इनका एक्चुअली आदत भी है, जो फिल्मों का पेमेंट भी लेते हैं। अभी ने बोला कि प्रोड्यूसर भी है एक फिल्म का, तो ये इनकी हरकतें हैं, ये काफी चीजें अंडर टेबल करते हैं और काफी चीजें अंडर टेबल करते हैं और बताते नहीं है इंडस्ट्री को, बहुत छुपे रुस्तम है ये। हमारे उदय जी से मैं परिचय कराऊं, हमारे पुराने अभिनेता, ये हीरो भी रह चुके हैं, विलेन भी रह चुके हैं और हर ढंग के कलाकार हैं। इसमें आदित्य जी के पिताजी के रोल कर रहे हैं और हम इनके लिए यहाँ केस लड़ रहे हैं, हीरोइन के विपक्ष में, हीरो के तरफ से। ये दूसरी बार हमारे बाबूजी बने हैं, एक फिल्म थी मोहब्बत के सौगात। अब उदय जी आप वहाँ नए वर्ष की शुभकामना दीजिए। वहाँ हमको ये सुधार रहे थे और यहाँ बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को उदय श्रीवास्तव का सलाम प्रणाम और सत श्री अकाल। इस फिल्म में, फिल्म काजल में आदित्य मोहन और गिरीश, ये भले हम इसमें फादर का रोल कर रहे हैं और बाकी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर्दे पे हम तो पर्दे पे जो होना चाहिए, जो कैरेक्टर होना चाहिए, ताना बुना बाना बुना है, तो उनकी राइटिंग में सब कुछ करना पड़ रहा है। सब डायरेक्टर साहब का कमाल है कि उन्होंने कमीना बना दिया है और कैमरे के पीछे से सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नहीं, हम लोग एक शरीफ इंसान है और मैं चाहता हूँ, भोजपुरी की काफ़ी फिल्में की हैं, बहुत सारी फिल्में हम लोगों की रिलीज हुई हैं और दर्शक बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि नव वर्ष में हम लोगों की ये फिल्म काजल जरूर देखें और हिट नहीं सुपर हिट करें, यही प्रार्थना है संजय भूषण जी। और बहुत बहुत मैं मेरे बच्चों के समान है ये दोनों और वाकई में बहुत ही अच्छे कलाकार है और इन दोनों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। बहुत देखिए, शादी कराना तो ऊपर वाले के हाथ में है, बस अब देखिए मैं अपने बेटा को, मेरा एक ही बेटा है, तो कोई भी बाप चाहता है कि अपने बेटे को उसके खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। देखिए एक्चुअली ये तो मेरे दो फिल्मी बाप हो गए मेरे और जो शादी करना है कि नहीं करना है डिसीजन तो ये ले लेंगे, पर इस शादी का जो खर्चा उठाएगा, समझे, इस शादी का जो खर्चा उठाएगा वो है हमारे प्रोड्यूसर साहब। तो अब ये बताएंगे कि क्या ये खर्चा सर वही होता है, तो क्या अगर उठाने को तैयार है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। अरे सारा खर्चा इन्होंने ही उठाया है। मैं अपनी खुद ना कर लूं। ये अपनी खुद ना कर ले। देखिए क्या कॉमेडी पंच था, आपने देखा इस फिल्म में मेरे फादर हैं, ये मेरे साथ तकरार में फादर रह चुके हैं, ये मोहब्बत के सौगात और काजल में, और अनूप भैया पता नहीं किधर निकले, अनूप भैया स्वर्ग में फादर थे और आदिल सर हैं, और साथ ही मैं सर अनिल सर को इनवाइट करना चाहूंगा सर, प्लीज सर हम लोग उनके पास ही चलते हैं, अनिल सर के पास आइए, मैं आप लोग न्यू ईयर सर, सबसे पहले आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नहीं 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 पूरा लाइक सर, भोजपुरी क्या पूछो, नौ वर्ष के लिए सर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब देखिए आप सेट पे है इस वक्त, आप देख सकते हैं हम लोग शूटिंग कर रहे हैं
और उम्मीद करते कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, सेम लाइन भोजपुरी में मैं रिपीट कराता हूँ सर। क्या होगा फिर सर? हमनी के बानी काजल के सेट पे। हमनी के बानी काजल के सेट पे। यस, तो ये थे अनिल सर जिन्होंने शायद काजल के सेट पे शायद पहली बार भोजपुरी बोला। एक्चुअली कराना चाहिए, शाहरुख खान भी गए हुए हैं ना, तो मैंने सोचा सर को भी थोड़ा भोजपुरी बोलवा ले। और पीछे चलते हैं सर, हम लोग के साथ हम लोगों को दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए नए साल में पूरी टीम को। कैसे बोलूं, मुझे इतना नहीं है। प्रिया समाज के बहुत बहुत क्या बोलना, धन्यवाद। गिरीश शर्मा भोजपुरिया विलेन, भोजपुरी समाज के प्रणाम कराता नहीं, नौ वर्ष के शुभकामना देवता नहीं। मैं वकील का कैरेक्टर कर रहा हूँ, पहली बार मैं विलेन के साथ देने के लिए, विलेन में उदय जी हैं और एक जैसे शाहरुख खान ने जो रोल किया था डर फिल्म में, उस ढंग का कैरेक्टर है आदित्य मोहन जी जो इस फिल्म के हीरो हैं, लेकिन कैरेक्टर उनका दोनों साइड में है, बढ़िया कैरेक्टर में है। तो उन्हीं के मैं वकील का किरदार कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, आदित्य बाबू को जिताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आदित्य ने फीस दिया आपको? हाँ, आदित्य जी ने मुझे फीस दिया है और उदय जी ने भी मुझे फीस दिया है। तो फीस मुझे, मेरा फीस, मैं सीनियर वकील हूँ इसलिए कम से कम 1,00,000 रुपया है, तो उन्होंने फीस दिया है। जब मैं फिर वही जब केस हारने लगूँगा तो फिर 2-4 लाख और दे देंगे। तो इस ढंग से चल रहा है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया शूटिंग है। काजल जी इसके हीरोइन हैं, काजल यादव जी, ब्रजभूषण जी जो स्टार डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, राइटर भी वही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सब लोगों के साथ करके। दिलीप सिन्हा जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, अनिल धवन जी हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अनिल जी के साथ पहले भी मैंने एक सीरियल की थी, मैं हिंदी इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया है, तो अनिल जी काफ़ी सुलझे हुए अभिनेता हैं। तो सब लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और इस फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला जी हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस फिल्म का जोर शोर से प्रचार करें, यही मैं उनसे निवेदन करूँगा। थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी हैं निर्माता, बहुत अच्छे आदमी हैं और पहली बार भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमेशा भोजपुरी फिल्म बनाए। बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छा लगा, दोनों की जोड़ी आज हमने देखी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथ में आम्रपाली दुबे जी हैं, काजल राघानी जी हैं, तो एक काफ़ी ताना बाना अच्छे लोगों के बीच बुना गया है। सबसे बड़ी ये स्क्रिप्ट बहुत दमदार है जो ब्रज जी ने लिखी है, डायरेक्शन दमदार है। तो फिर हम लोग तो डायरेक्टर के एक्टर हैं, जो वो बताते हैं वो हम लोग काम करते हैं। तो एक सुलझे हुए डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। अनिल धवन जी बहुत सुलझे हुए एक्टर हैं और हम लोग की सिंटा में हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं सिंटा में। तो अनिल जी से हम अपोजिशन में रहते हैं तो नोक झोंक सिंटा में होते रहती है। तो अनिल जी काफ़ी सुलझे एक्टर है, पहले भी हमने सीरियल भी किया इनके साथ, तो काफ़ी सुलझे, मुझे अच्छा लग रहा है अनिल जी के साथ काम करने का। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम करता हूँ, नया वर्ष मंगलमय हो। हिंदी में बोल रहा हूँ। अरे मैं पहले भी कर चुका हूँ, कई बार काम कर चुका हूँ। भूषण जी मेरे लिए नए नहीं हैं भैया, उनकी काफ़ी फिल्मों में मैं भोजपुरी अपने काफ़ी टाइम बाद फिर भोजपुरी कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में भोजपुरी के? हाँ, वो ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, मैंने कई फिल्में टीवी पे भी देखी हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर स्टेट की तरह ये स्टेट भी बहुत उन्नति करे, अच्छी अच्छी मनोरंजन की फिल्में लोगों को दिखाए। और ये भी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और ये कोर्ट सीन चल रहा है, इसमें मैं जज हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। हीरो आदित्य मोहन जी और हीरो काजल जी, कैसा लगा उनके साथ आज? लाइक एनी अदर आर्टिस्ट, इसमें कोई लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो आर्टिस्ट थोड़ी चेंज हो जाता है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप जज हैं, जजमेंट सुना दीजिए। थैंक यू वेरी मच। काजल के सेट पर और काम करने में थोड़ी बहुत सर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आप डिस्टर्ब होइए और थोड़ा सा भोजपुरी में पहले आप भी न्यू ईयर की बधाई दे दीजिए। अब 100 कौन सा चैनल बा? इसको भी चलेगा। हमारे सारे भोजपुरी दर्शकों को, मेल फीमेल,
सबों को नव वर्ष की बधाई शुभकामना हमारी ओर से। और भोजपुरी में ये सर, जैसे अनिल सर ने बोला, आप लोग आयल बानी काजल के सेट पे, आप लोग आयल बानी काजल के सेट पे, यहाँ पे हमारा लगभग सब आर्टिस्ट लोग यहाँ बा, आदित्य मोहन जी, काजल यादव, अनु परोरा, उदय श्रीवास्तव, दिलीप सिन्हा, मृदुल जी, सारे लोग बारन। अच्छा अच्छा सर, क्यों ना हम लोग एक खेल खेलते हैं भाई, 2019 को सब भोजपुरी में विश करते हैं एक एक लोगों से। सर 2019 नया साल के आप सब केहू के हार्दिक शुभकामना, भोजपुरी यही होगा ना? हाँ यही होगा। आप सब केहू के नया साल के ढेर सारा शुभकामना। नया साल के, यस, नया साल के ढेर शुभकामना। और सबसे बड़ा बात बाकी 19 से भोजपुरी के पूरा ट्रेंड बदल ले के शुरुआत हो जाए करवटली भोजपुरी इंडस्ट्री, ऐसन करवटली कि अभी पॉजिटिव करवट हो। जितना जो गंदगी भर गई रहे, अश्लीलता भर गई रहे, उस सब से दूर बढ़िया बढ़िया फिल्म बनने लगी, जैसे कि मराठी में बनने लगल। अब कहाँ बनत रहे मराठी में पहले, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते सांस सराठ जैसन फिल्म सब बने लागल आ ओस्कर तक पहुँच गई। तो हम उम्मीद करब कि 2019 से भोजपुरी भी आगे की ओर बढ़े लागी। आज कोर्ट सीन बा और भोजपुरी में बहुत मारपीट लड़ाई क्लाइमेक्स में खूब लोग उठा पटक करेला, तो हमारा काजल फिल्म में हमार उठा पटक सब कोर्टे में चला था, तो एक तरह से कोर्ट जो बा हमार फिल्म के क्लाइमेक्स सीन बा तो ही चला था। दर्शकों को ये कहूँगी, भगवान आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। ये मैं लड़ रही हूँ अपने खुद के लिए और उन तमाम लड़कियों के लिए जो बहुत सी परेशानियों से जूझती हैं और बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। बस ये काजल फिल्म है, इसमें मैं टाइटल रोल कर रही हूँ, काजल फिल्म का सेट है। जी कलाकार में इसमें मेरी मम्मा है माया यादव जी और दिलीप सिन्हा जी हैं, आलोक अनूप जी हैं और आदित्य मोहन जी हैं, हर्षित एक न्यू कमर है, एंड देन बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अनिल धवन जी हैं, देन गिरीश शर्मा जी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जी। मैं तो आज फर्स्ट टाइम उन्हें देखी हूँ, मैं तो बचपन में उनको बहुत देखा था और बहुत अच्छा लगता था, और आज उनको सामने से देखी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे हैं नेचर के, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके जी। बहुत बहुत ब्रिज सर एक बहुत ही इतने सीनियर हैं हमारे इंडस्ट्री में, और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है, और बहुत बारीकी चीज़ें वो सिखाते हैं, बताते हैं शॉट से पहले कि ऐसा करना वैसा करना, जो बहुत अच्छे से इजीली आपके सीन्स निकल जाते हैं। बहुत अच्छे डायरेक्टर जी। इसके साथ जो अब तक की मैंने शूट की हूँ मजगल गदर प्यार में, जमाई राजा और चिराग फिल्म है, ये काजल है, और 15 या 16 तारीख को एक और नई फिल्म के लिए फ्लोर पे हम जा रहे हैं। इन 4 महीनों में काफी फिल्में आप एक्शन कर रहे हैं। जी जी, बिजी बहुत हो, बहुत थकान हो जाती है, लेकिन टाइम तो देखिए मैंने अपना 100% टाइम मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने फिल्म करियर को दी हूँ, और ये सब टाइम मैनेज ये सिर्फ एक इंसान के बदौलत होता है, मेरी मम्मा माया यादव जी, मुझसे ज़्यादा प्रेशर में वो होती हैं, वो उनका मतलब वो प्लस मेरा काम हैंडल करती है, खुद का काम एंड प्लस उनका जो अलग एक काम है समाज सेवक का वो भी चल रहा है, तो ये सब उनके बदौलत ये सारी चीज़ें हैंडल होती है, मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बस मेरा भागम दौड़ी और मेरी मेहनत यहाँ काम शूट करने में होती, बहुत थकान, बस ये हमारी जनता का आशीर्वाद है, उनसे बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं इतनी बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ मैं इसमें। जी मेरी कमबैक की मूवी थी मोहब्बत चिंटू जी के साथ, और दूसरी फिल्म थी ससुराल, और ससुराल के बाद हमने शूट किया था याली बजरंगबली, जो कुछ बाकी है कुछ पोर्शंस जो हम वापस उसे रिज्यूम करेंगे,
और अब तक की जो रिलीज फिल्म है मेरी, 3 फिल्म रही है। कुछ साल पहले मैंने सपूत किया था खेसारी लाल जी के साथ, और उसके बाद मैंने अपने स्टडीज़ के लिए बीच में गैप ले ली थी 2-3 साल का। उसके बाद कमबैक हुई मोहब्बत एंड ससुराल, तो 3 फिल्में जी। स्टडी के बाद मैं वकील बन गई, और आज हमारे न्यू ईयर का फर्स्ट दिन है और विद सर ने और आदित्य सर ने मुझे वकील बना दिया है। बहुत खुशी हो रही है, और बस मैं ये चाहूँगी कि जिस तरीके से ये मैंने पहना है उसी तरीके से अपने लाइफ को और अपने पूरे परिवार में मैं उसी, मतलब बोलते हैं ना कानून, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के बस सबको खुशी और हैप्पीनेस देती रहूँ। हाँ कानून अंधा होता है, ठीक है ये बोलते हैं लोग, लेकिन कानून इतना भी अंधा नहीं है। एक वक्त आता है, एक हमारे एक बोलते हैं ना कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कानून अंधा है तो क्या हुआ, बट हमारे ऊपर जो है हमारे भगवान वो सब देख रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद से कानून अंधा है ज़रूर, लेकिन उनके आशीर्वाद से सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थैंक यू। मैं अच्छा हूँ अभी तक तो नहीं है, अपने फैमिली के साथ में। यहाँ पे क्या, एक्चुअली यहाँ पे मैं शूट पे हूँ। यहाँ पे आज कोर्ट का सीन है, फिल्म का नाम काजल है, ठीक है, तो मैं काजल के फेवर में हूँ और सीन चल रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। खाते क्या, नॉर्मल खाना खाते हैं, वेजिटेरियन है, दैट्स इट। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, एक्चुअली मुझे सबके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। उदय श्रीवास्तव जी हैं और माया मैम हैं, काजल जी हैं और यूनिट के सारे लोग, आदित्य जी हैं काफ़ी, वो तो मुझसे सीनियर हैं, सो एंटायर टीम बहुत अच्छी है, सो आई एम एन्जॉइंग द काजल टीम। कि भोजपुरी फिल्म जिस मिठास के लिए जानी जाती है, वो इस फिल्म काजल से मुझे बहुत उम्मीद है। बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है, बहुत सारे लोग हैं, खास करके बहुत ही सीनियर एक्टर, जब मैं बच्चा था तो शत्रु जी और अनिल धवन जी की फिल्म मैंने समझौता देखी थी। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, और एक और गाना सुपरहिट गाना था कि सूरज को छू। नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं अपने समस्त दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं नमन करता हूँ। आज नववर्ष के पहले दिन फिल्म सिटी गोरेगांव में हम लोग फिल्म काजल की शूट कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर ब्रजभूषण जी हैं और प्रोड्यूसर आदिल अहमद जी, एक्टर आदित्य मोहन जी, एक्ट्रेस काजल यादव जी जो टाइटल रोल कर रही हैं, अनिल धवन, गिरीश शर्मा जी और दिलीप सिन्हा साहब हैं। बहुत सारे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार इस फिल्म में हैं। मैं हीरो का फादर कर रहा हूं, और मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और मैं हीरो का फादर कर रहा हूं। ये क्या है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। मैं तो कलाकार हूं और निश्चित तौर पर मेरी अभी कई फिल्में एज ए मेन विलेन भी आ रही है, और पहले भी काफ़ी फिल्में करीब हमारी अभी फिल्म जो आ रही है वो दहेज दानव है, लाल है, सालिम मिलल वह दहेज में, और उसके बाद हमार जान नदिया के पार, संस्कार, बहुत सारी फिल्में हैं, और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक काम मिल रहा है और अच्छा चल रहा है इसे, तो बस आपके आशीर्वाद पे मैं टिका हूँ और मैं जब तक जीवित रहूँ यह आशीर्वाद बना रहे। अभी मैं जी सुब्बा राव की फिल्म काशी विश्वनाथ करने जा रहा हूँ साउथ में, विजयवाड़ा से 200 किलोमीटर अंदर एक गांव में। इस फिल्म की शूटिंग 6 जनवरी से वहाँ मैं करने जा रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद नदिया के पार की शूटिंग, और फिर उसके बाद बनारस में संस्कार की शूटिंग अभी करनी है। कंटिन्यू जनवरी महीना जो है वो शूट पे हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया है, आपका भी नए वर्ष में बहुत ही
हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। हाँ, ये फिल्म में काजल की शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, यहाँ सेट लगा हुआ है, अदालत का सेट है और फिल्म काजल की शूटिंग चल रही है, यहीं पर हम आए हुए हैं, मेरा भी सीन है अदालत का। तो जी, मैं किरदार में तो मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ इसमें, और जहाँ भाई जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो कुछ न कुछ तो होगा ही, जहाँ घर में चार बर्तन रहते हैं तो खनक तो होती ही है, तो ऐसा कुछ है, हर तरह का विद्यार्थी होता है कॉलेज में, तो कुछ रूल फॉलो करते हैं, कुछ मस्ती में कुछ रूल तोड़ते भी हैं, तो होता ही रहता है, ऐसा है। और डायरेक्टर साहब के बारे में जितना भी कहें शायद वो कम होगा, क्योंकि इस फिल्म के, आपको मालूम होना चाहिए कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री ब्रजभूषण जी, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं और सीरियल में भी बखूबी बहुत अच्छा उन्होंने अपना एफर्ट लगाया है। हाल फिलहाल एक उन्होंने एल्बम बनाया है, सनम निकला बेवफा मेरा, बहुत अच्छा एल्बम है जो कि बहुत आने, और ये फिल्म के डायरेक्शन ब्रजभूषण जी ने बहुत ही मतलब कहा जाए एक नंबर डायरेक्शन, बहुत गंभीर डायरेक्टर हैं और बहुत धैर्यता के साथ अपने वो भूमिका अदा करते हैं निर्देशक के तौर पर, तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। आदिम अली साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, और सबसे उनकी खासियत यह है, ये फिल्म की बारीकियों को अपने नज़रों के सामने से समय देकर इतना व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो एक एक सीन को अपने नज़र के सामने देखते हैं, टाइम देते हैं, समय देते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका एक तरीके से मैं कहें आउट ऑफ स्क्रीन उनका रोल बहुत बढ़िया है, और ऐसे ही निर्माताओं की ज़रूरत है जो कि निर्देशक फिल्म बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं समय देकर देखने की ज़रूरत है, और देखते हैं समय निकाल के वो बराबर सेट पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आदित्य मोहन जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने फिल्में की हैं और आने वाले कल में उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। काजल जी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, और भी हैं लोग मेरे अलावे हैं, उदय श्रीवास्तव जी हैं, मेरा नाम मृदुल कुमार शरण हुआ, मृदुल शरण लोग कहते हैं, मृदुल। आज इसके पहले जुर्म की जंजीर किया है जो कि अभी प्रोसेस में है, कसम्बा चंपारण की किया है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि प्रोसेस में है, 2019 में 7-8 फिल्में हमारे नाम पे हैं जहां पर मैंने शाइन किया है, और समय के अनुसार वो बनेगा। नया साल की सबको मेरी शुभकामनाएं, 2019 सबके लिए अच्छा हो, फलदायी हो और कामयाबी मिले आप सबको। भगवान करे आपको 2019 करोड़ रुपया आ जाए, मतलब इनकम टैक्स वाला हमारे घर पर छापा मार दिया, अब चाहते हैं 19 करोड़ का, आप उसमें जीएसटी पे कर दीजिएगा, आपको कोई इंसाफ हमारे का। अच्छा, चलिए सलाहकार आपको रख लूंगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और कलाकार के पास कितने पैसे आते हैं किसी को कोई था नहीं है। चलिए, ये ऐसा बिजनेस है, ये इनकम टैक्स वालों को समझ में आना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कितने पैसे आते हैं। सेट लगा हुआ है फिल्म सिटी में, न्यायालय में क्या कुछ बताएंगे? मैं तो आया था न्यायालय, मतलब पेशकार का एक रोल कर रहा हूँ, तो मैं तो आया था सुबह ही, एक अपना काम कर लिया जो सुबह के सीन करने थे, लेकिन बड़ा भव्य लगा हुआ है साहब, मैं देख कर के आश्चर्यचकित हो गया, इतना बड़ा सेट और ऊपर से काफ़ी कुछ जो आपस में वकीलों की बहस चल रही है, और डायरेक्टर ब्रजभूषण का अपना जो काम है, सारे कलाकारों का एक बड़ा बढ़िया सामंजस्य बना हुआ है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर कितने सिनेमा आप अभी तक कर चुके हैं? सर मुझे काउंट नहीं है, मगर मुझे 43-44 साल हो गया सिनेमा में काम करते हुए, पहली भोजपुरी कदर फिल्म से लेके अभी तक हूँ, हो गया होगा 100 के ऊपर ऊपर, कुछ पता नहीं कभी गिना नहीं। लाइफ में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी आप किसे मानते हैं जिसके साथ आप काम किए हैं? अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स, द बेस्ट, मैं उनके साथ काम किया गंगा फिल्म में, एंड इज द बेस्ट सेलिब्रिटी जिनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हाँ, क्या बात है, मतलब अगर अमिताभ बच्चन की आप साथ शूटिंग नहीं भी कर रहे हैं, कैमरे के पीछे खड़े होकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना महान कलाकार आदमी है वो। अरे बत पूछिए, इतने मजाकिया आदमी है,
कि साहब मैं एक सीरियस सीन कर रहा था बीडी की विदाई का और लगे वो हंसाने हमें, अब हमको समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। गायर किसी तरह से रोते गाते वो सीन हो गया, उसके बाद उन्होंने बड़ी खिंचाई की हमारी। फिर आनंद भी आया इतने बड़े कलाकार के साथ, तो बहुत कुछ या ऐसे कुछ शेयर करना बड़ा ही अच्छा लगता है। आज फिल्म में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जरा बताने चाहेंगे? आज सेट के ऊपर काजल जी हैं, वकील हैं। काजल जी के अंदर एक अच्छी अभिनय क्षमता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाल करने वाली है। काफ़ी उसके अंदर बड़ा ही क्षमता है अभिनय करने की, और वो अब तक लोगों को समझ में नहीं आई है, लेकिन फिल्में आएंगी तो उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कितनी बड़ी कलाकार है वो। बहुत अच्छा। भोजपुरी की दशा दिशा कैसी रही 2018 में? सब भोजपुरी की के सिनेमा में ऐसा कि हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं, 17-18 फिल्में रिलीज़ होती हैं जिसमें से 2 या 3 फिल्में चलती हैं और फिर वही दौर शुरू हो जाता है। मेरा ये कहना है कि इतने नंबर्स पे ना जाएं, अच्छी फिल्मों का निर्माण करें जिसको लोग देखने आए, पसंद करें, संगीत अच्छा हो, कलाकार का चयन भी सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये एक सेटअप बना लें और उसको लेके बेचने चले जाएं तो क्या सिनेमा बनेगा। सर कहाँ के रहने वाले थे और सिनेमा लाइन का पहली फिल्म अभी कौन सी? मैं पटना का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं 1974 में यहाँ आया था और पहली फिल्म मैंने 1975 में की थी। उस हिंदी फिल्म का नाम था एक से बढ़कर एक, ब्रिज सदाना की पिक्चर थी। आप पटना में कहाँ के रहने वाले हैं बताएंगे? मैं कंकड़बाग कॉलोनी का रहने वाला हूँ, वहाँ से ग्रेजुएट हुआ मैं, साइंस ग्रेजुएट, मेरा ख्याल है 1973 में मैं ग्रेजुएट हुआ। रियल नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार सिन्हा, कुमार हट गया, सिन्हा रह गया। अच्छा, दिलीप सिन्हा जी, अभी बंबई में जब आए तो आपको आते समय उसका सिनेमा मिल गई थी कि बहुत स्ट्रगल करना? जी नहीं सर, स्ट्रगल तो आज तक होने को आया, मुझे पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। छोटे छोटे रोल मिलते थे, उससे कुछ नहीं होता था। आपको पता नहीं होगा, उन छोटे से रोल को छोड़ करके जब हम लोग का दाल रोटी नहीं चल रहा था तो मुझे डबिंग करनी पड़ी, फिल्मों की डबिंग करनी पड़ी, जिससे मैंने कुछ अपने धन अर्जित किए। मेरा संघर्ष कायम रहा सिनेमा में, उसके बाद जाके काम मिला और आज तक मुझे करना पड़ता है। फ़ोटो लेकर अभी जाते थे काम मांगने? नहीं, फ़ोटो लेकर के शुरू शुरू में मैं ज़रूर गया था काम मांगने के लिए, बाद में फ़ोटो का जो रिवाज था धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। और ज़्यादा करके कास्टिंग तो लोग देख सुन कर के ही कर लिया करते थे कि ठीक है यार इसको बुला लो, ये ठीक है इस रोल में, उस रोल में। बड़े रोल तो हमको मिले नहीं, छोटे छोटे रोल मिले। बाद में जाके मुझे अब्बास मुस्तन ने अपनी फिल्म अग्निकाल में एक बड़ा रोल दिया, विलन था मैं उस फिल्म का, फिल्म भी चली लेकिन मुझे उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उसके बाद और फिल्म की मैंने जितेंद्र के साथ की, क्या पूरा हुआ या पूरा होने? नहीं, मुझे बहुत सारे कुछ काम करने बाकी हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं एक बड़ा ही संवेदनशील किस्म का एक्टर हूँ, मुझे वो ड्रामेटिक रोल्स करने में बड़ा मजा आता है। और भोजपुरी में किस किस सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुके हैं? मेरे ख्याल मैंने 8-10 फिल्में तो की होंगी, 10 से 12 फिल्में मनोज तिवारी के साथ, पवन सिंह के साथ 10-12 फिल्में, खेसारी लाल के साथ 4-5 पिक्चर होगी, और वो क्या नाम है उनका, निरहुआ जी के साथ 3 पिक्चरें की मैंने, और भी बहुत लोगों के साथ क्या होगा उतना याद नहीं आ रहा। आप क्या लगा इन लोगों के साथ काम करके, कैसा व्यवहार है? अच्छा है, मनोज जी तो बड़ा ही बढ़िया उनका व्यवहार था, पवन जी का भी काफ़ी प्रोफेशनल व्यवहार है। सबसे अच्छा प्रोफेशनल एक्टर मुझे लगे खेसारी लाल, तो अपने काम से काम, मतलब काम किया घर बार सेट से सीधा घर या जहाँ भी उनको जाना हो तो चले। खेसारी लाल के साथ कोई फिल्म आते जो हंसी मजाक में आपको बोले बोले हो या आप बोले हो? खेसारी लाल का इतनी ज़्यादा मुझे इज्जत दे देते हैं कि हमारे साथ कोई मजाक ही नहीं कर पाते हो, और मैं भी चाह के नहीं कर पाता, बड़ा एक एज डिफरेंस बीच में आ जाता है, तो इज्जत करते हैं तो नेचुरली मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, भगवान उनको काफ़ी सक्सेस दे, मैं यही दुआ करूँगा उनके लिए। थैंक यू सर। मैंने इसीलिए रखा है 1 जनवरी को कि ताकि लोग 12 महीने साल के काम करते रहें। फिल्म के आज ये जो है शूटिंग चल रही है, कोर्ट का है सीन,
ये तो आपने भी देखा होगा अभी। आज का दिन खास है तो आप मतलब आप अपनी पूरी टीम के लिए कुछ ऐसा कुछ कहेंगे कि जो उनको कोई मैसेज? उनके लिए सबको मैंने जो है मुबारकबाद दिया नए साल का, और देना भी चाहता हूँ आपके टीवी पे। सारे लोग हैं टीम के, देखिए दिलीप सिन्हा साहब बैठे हुए हैं मेरे बगल में ही, ब्रिजभूषण साहब जो है अभी शूट चल रहा है वहाँ है, और इसमें जो है आपके जो है अनिल धवन साहब हैं, और काजल यादव हैं, काजल राघवानी हैं इस फिल्म में, आपके अमरपाली हैं, ये सारे लोग हैं इस फिल्म में, अच्छे अच्छे लोग हैं। भोजपुरी सिनेमा बना रहे हैं तो भोजपुरी दर्शकों को आप क्या कहें अपने सिनेमा को लेकर? भाई सारे दर्शकों से यही कहना है कि एक फिल्म बहुत अच्छी बना रहा हूँ, सारे लोग सिनेमा घर जाके इसे देखें।